जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, मेहनत करने के बाद भी अगर आपको उसका फल नहीं मिल रहा है तो कपूर के कुछ उपाय करने से आपको काफी लाभ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आप जिस भी प्रकार की आर्थिक तंगी, परेशानी और शारीरिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, वह सभी कपूर के एक छोटे से उपाय से दूर हो जाएंगी। कई बार मेहनत करने के बाद भी परिणाम संतोषजनक नहीं मिलता है, जिसकी वजह से कई लोगों को आर्थिक तंगी और धन से जुड़ी हुई कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन आप चाहें तो इन सब से छुटकारा पा सकते हैं, और इसके लिए आपको एक कपूर का छोटा सा उपाय करना होगा। दोस्तों, आप सभी ने कपूर के बारे में सुना होगा, वही कपूर जो कि पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हम उसी कपूर के बारे में बात कर रहे हैं। वही कपूर आपको आर्थिक तंगी से छुटकारा दिलाने के साथ ही साथ आपका पितृ दोष भी समाप्त कर देगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में भी कुछ पितृ दोष है या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो वह भी आप कपूर की सहायता से आसानी से समाप्त कर सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप सभी से एक विनती है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें और बीच में छोड़कर ना जाएं, अन्यथा आपको उपाय बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और हाँ, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे होगा ये कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आइए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप शायद नहीं जानते होंगे कि कपूर से नजर भी उतारी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, कपूर से आप नजर भी उतार सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को नजर लगी हो और काफी समय से कोई परेशानी उसके जीवन में चल रही हो, तो इसके लिए आप कपूर का उपयोग करें। इस उपाय को करने के लिए आप कपूर का एक टुकड़ा लें, यानी कपूर का एक पीस ले लें, छोटा सा कपूर ले लें, और जिस व्यक्ति को नजर लगी है उसके सिर से पैर तक एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाएं। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुने, जिस भी व्यक्ति को नजर लगी है उसके सिर से लेकर पैर तक आपको जिस तरह से हमारी घड़ी घूमती है एंटी क्लॉकवाइज, उस तरह से आपको कपूर को घुमाना है। उसके बाद कपूर को फर्श पर रखकर जला दें। ऐसा करने से बुरी नजर खत्म हो जाएगी। दोस्तों, ये 100% काम करने वाला उपाय है। यदि आपके घर में चारों तरफ नकारात्मकता फैली हुई है, दुख और दरिद्रता आपका पीछा ही नहीं छोड़ती, आप कितने ही उपाय कर करके परेशान हो गए हैं, थक चुके हैं, यदि आप अपने घर में सुख शांति पाना चाहते हैं, तो इसके लिए रोजाना आपको सुबह शाम कपूर को घी में भिगोकर जलाना है। जी हाँ दोस्तों, आप सुबह के समय और शाम के समय कपूर को घी में भिगोइए और फिर उसको जलाइए। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो भी नकारात्मकता फैली हुई है वह कपूर की खुशबू से आपसे दूर हो जाएगी, आपके घर से दूर चली जाएगी और आपके घर में सकारात्मकता का प्रवेश होगा। नकारात्मकता यानी कि अलक्ष्मी कभी भी आपके घर की तरफ मुड़कर भी नहीं आएगी अगर आप ये कपूर का छोटा सा उपाय करते हैं। आइए जान लेते हैं कपूर का तीसरा उपाय। कपूर का ये वाला उपाय आपको चुटकियों में मालामाल कर सकता है। आपने सही सुना दोस्तों, कपूर के इस वाले उपाय से आप बहुत ही जल्द मालामाल हो सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि रात के समय रसोई का सभी काम खत्म होने के पश्चात चांदी की एक कटोरी में लौंग और कपूर जला दें। जी हाँ दोस्तों, आप रसोई में जैसे ही आपका खाना बन जाता है, रसोई का सारा काम समाप्त हो जाता है, उसके पश्चात आप चांदी की एक छोटी सी कटोरी लें। यदि आपके पास चांदी की कटोरी नहीं है तो आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। उसमें आप कपूर को और साथ ही साथ उसमें लौंग रखें, यानी आप कपूर और लौंग को एक साथ दिए में रखें और उसको जला दें। ये उपाय रोजाना करने से आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी, आपके घर में सुख और समृद्धि छाई रहेगी। अब जानते हैं दोस्तों कपूर का चौथा उपाय। कपूर का चौथा उपाय बहुत ही कारगर है। यदि आपकी कुंडली में कोई काल सर्प दोष है या फिर पितृ दोष है,
तो आप जानते हैं कि आप कपूर से उस पितृ दोष को भी समाप्त कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको करना क्या है। यदि पितृ दोष की वजह से आपकी उन्नति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, आपकी उन्नति के रास्ते में बहुत रुकावटें आ रही हैं, तो इससे बचने के लिए आप घर में सुबह शाम और रात तीनों समय, यानी कि सुबह के समय, शाम के समय और रात के समय आपको कपूर जलानी है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपको तीनों समय अपने घर में कपूर को जलाना है। इससे होगा क्या कि आपके घर की नकारात्मकता समाप्त हो जाएगी, उसकी जगह चारों तरफ सकारात्मकता ही सकारात्मकता होगी। आपके घर में मां लक्ष्मी का और भगवान कुबेर का स्थायी निवास हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान कुबेर और मां लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी निवास होगा। आपके घर में चारों तरफ मंगल ही मंगल छाएगा। तो दोस्तों, ये एक बहुत छोटा सा कपूर का उपाय है, आप इस उपाय को अवश्य ही अवश्य करके देखिएगा। ये 100% काम करने वाले उपाय है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की अन्य जानकारियों के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।